ये हलचल तुम्हारे देवताओं ने भी महसूस की। पर इसकी वजह क्या है? क्योंकि कोई रिहा करने आ रहा है अमित को। हैरो, देखो देवताओं ने इंसान से क्या छिपा के रखा है। तुम प्यादे हो, योद्धा नहीं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिजूल में मारे गए। रिहा करने के लिए किसका शुक्रिया अदा करें? देवी इस नाचीज भक्त को शुक्रिया कह के शर्मिंदा न करें। मैं मार्क स्पेक्टर को इस दुनिया में महसूस नहीं कर पा रहा। जरूर वो शहीद हुआ होगा। वो शहीद हुआ तुम्हारी जंग लड़ने में, जो अब तक जारी है। मेरी खिदमत करो और बेचैनी से सुकून पाओ। पुराने जख्म भुलाकर एक नई जिंदगी अपनाओ। जो अमित को हमें फिर से कैद करना होगा। कैसे? सिर्फ एक अवतार ही ये काम कर सकता है। मैंने कहा ना, नहीं। सबसे पहले कायरों से पाप मिटाएंगे, फिर सारी दुनिया से। वक्त ने तुम पर कई सितम ढाए। बेशक, पर मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। ओ खोंशु, देवता होकर भी तुम्हें आस्था की कमी है। तुम कभी नहीं सुधरोगी। की भीख मांग लो, तुम्हें बख्श दूंगी। उससे अच्छा मुझे मौत मंजूर है। मार्क, अमित के भक्तों सबको परखो। हम दोनों बुराई मिटाना चाहते हैं, बस तरीके अलग हैं। तो क्यों ना लड़ने की बजाय एक हो जाए। नहीं, हम में फर्क है। मैं सिर्फ गुनाह करने वालों को सजा देता हूँ। मैं भी बस गुनहगारों को गुनाह करने का लुत्फ उठाने नहीं। आओ और मेरा साथ दो। लड़ क्यों रहे हो जब जानते हो कि हार जाओगे? क्योंकि ये मेरी मर्जी है और तुम लोगों से उनकी मर्जी छीन रही हो। नहीं उठता यार। हैरो को ले आओ, मैं अमित को रोकने का तरीका जानती हूं। जल्दी हाथ पकड़ो, मंत्र शुरू करते हैं। इन नेतर हाथ इन शक्ति इन नेतर हाथ इन हे टू इन हे हम इसे हमारा स्वर्ग बना सकते थे।
अब देर हो चुकी है अमित, तुम्हारा अंत आ गया। तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, मैं फिर से हूं।